Hi children, this is our lesson video. Today we are going to see about in our Vasant book, Vasant Kitab, part 16, lesson 16, 1K Marg Mein. You see on the screen, who is he? Can you guess? Yeah, he is the great poet in Hindi. Hindi Sahitya Mein Prasidhut Kavi Hai. Kaun Hai? Tulasidas Ji. Yes, he was the great poet in Hindi. Hindi Sahitya Mein उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है. वन के मार्ग में पहले मैं तुलसीदास जी के बारे में कुछ वाक्य बताना चाहती हूँ. आप देखिए उनका जीवन कैसा है, उनका जीवन परिचय. इस काव्य रचना के रचनाकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी है, जो हिंदी साहित्य के महान कवि थे. ये तुलसीदास जी, उन्होंने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस लिखा था. सो ही रोट रामचरितमानस इन वेरी फेमस इन हिंदी साहित्य में, जिसे आज भी पूरे भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है. और इसमें श्री राम जी के पूरे जीवन का कवितामय वर्णन लिखता है. इन्हें प्राचीन काल में रामायण लिखने वाले श्री वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है. और कहा जाता है कि रामचरितमानस का कथानक रामायण से ही पैदा हुआ है. सो यू नो नाउ वेरी वेल, तुलसीदास जी ये राम का बहुत बड़े भक्त थे और ये रामचरितमानस इन हिंदी में लिख चुका है. वे तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध कवि है. नॉट ओनली दिस पर्सन, ये पोएट वो बहुत प्रसिद्ध कवि है, कबीरदास, रहीमदास, सूरदास. और तुलसीदास जी एक राम भक्त होने के कारण वो रामचरितमानस लिख गया. नाउ आई वांट टू टेल इन इंग्लिश आल्सो अबाउट इन तुलसीदास जी. The creator of this poetry is Goswami Tulasidas. His full name was Goswami Tulasidas, who was a great poet of Hindi literature. He was the great poet literature. And he wrote the great book, Sri Ramcharitmanas, which is still read with great devotion all over India. It has a poetic description of Sri Ram Ji's entire life. He is also considered an incarnation of Sri Valmiki, who wrote the Ramayana in ancient times. The story of Ramcharitmanas is said to have originated from the Ramayana itself. Now, you see in our book, part 16, 1K Marg Mein. Ye bahut achhi kavita hai. Is kavita mein तुलसीदास जी वन के मार्ग में, सीता और राम लक्ष्मण वन के मार्ग में चलते समय क्या क्या कष्ट सहित कर है, उसके बारे में उनका श्री रामचंद्र और सीता जी के प्रति में होने वाले प्यार के बारे में इस कविता में कहते हैं. नाउ यू सी ऑन द बुक, See in a book, 1K Marg Mein, you see the first stanza. In before that, you see what is that meaning, Savaya? Can you guess that? That means quatrain. The ek kavita mein char vakya hone to usse uska kya kahte hai, Savaya. Now I want to tell in Tamil, in irandu adigalal ana thirukural, that means two lines, that means thirukural, like that. Savaya ka arth hai क्वाट्रेन, दैट इज ए कविता में चार लाइन, चार वाक्य होने तो उसे सवैया, हिंदी में सवैया कहते हैं. वो दैट इज द मीनिंग ऑफ सवैया. नाउ यू सी द पोएम लाइन, पुरते निकासी रघुबीर बधु दरी धीर दये मग में ठग द्व. दैट मीन्स पुरते का अर्थ नहर से, निकासी निकली, रघुबीर बधु यहाँ कौन है, सीता जी, सीता देवी. दरी रखना है और धीर धैर्य से. यू सी द नेक्स्ट लाइन, जल की बरी बाल खनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वही. फिर बूझती है चलनो अब खेती, खेती का अर्थ कितने,
कुटी, ये पत्तों से होने वाले ये कुटी, दैट इज दैट हाउस हट। पर्णकुटी करिहाव कित है, तिय की लाखी अधूरता, पिय की आंखियां अति चारु चली जल चुई। मा यू सी इट्स वेरी हार्ड वर्क, सो मेनी हार्ड वर्ड्स इज देर, दैट मीनिंग्स ऑल आर गिवन इन अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इन अ हिंदी, आई टेल इन इंग्लिश ऑल्सो। अगेन आई रीड दिस फोर लाइन्स, लिसन वेरी केयरफुली। पुरते निकासी रघुबीर बधु, दरी दीर दये महमे डग द्वई, जल की बरी बाल खनी जल की, पुट सूखी गये मधुराधर वै, फिरी बूझती है चलनो अब खेती, पर्णकुटी करिहौ कित हैं। तिय की लाकी अधूरता, पिय की आंखियां अति चारु चली जल चई। Now, what is the meaning of this first stanza? तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या को छोड़कर सीता जी वन मार्ग की ओर दो कदम, that means अदातु थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है। कौन कौन वन के मार्ग में चलने शुरू किया? सीता, राम और लक्ष्मण। वो अयोध्या को छोड़कर वे सब कौन कौन? सीता, राम और लक्ष्मण, वे सब अयोध्या के छोड़कर सीता वन के मार्ग की ओर दो कदम, दैट इज इन जस्ट टू फीट, छोड़ा सा बहुत अर्थात थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है। तो उनके माथे से पसीने की बूंदे चलकी पड़े। व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू जंगल, स्टार्टेड द स्वेटिंग इन हिज फोरहेड, उनके होंट प्यास के कारण सूख गए। होंट का अर्थ यू नो लिप्स, प्यास थर्स्टी। उनके होंट प्यास के कारण सूख गए और वे तक्कर, कौन तक्कर? यहाँ सीता जी। वे तक्कर श्रीराम से पूछने लगी, अभी हम कितना चलना है? हम पर्ण कुटी, दैट मीन्स इन पत्तों की कुटियाँ, एक इन लाइक है टचर्ड हाउस, वो पर्ण कुटी हम कहाँ बनाएंगे? श्रीराम पत्नी सीता की व्याकुलता देखकर व्यथित हो उठे, दैट मीन्स बेचैनी उठे, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। नाउ अगेन आई वॉन्ट टू टेल दिस मीनिंग, लिसन केयरफुली एंड ऑल्सो आई टेल इन इंग्लिश। तुलसीदास टेल अबाउट दिस, डिस्क्राइब अबाउट दिस पोयम। अयोध्या छोड़कर सीता जी वन मार्ग को और दो कदम चलता है, अदातु थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है। उस समय उनके माथे से पसीने की बूंदे छलक पड़ी, उनके होंठ प्यास के कारण सूख गए, और सीता जी बहुत तककर श्रीराम से पूछने लगे, अभी हमें कितना चलना है? हम पर्ण कुटी, दैट मीन्स इन पत्तों की कुटियाँ कहाँ बनाएंगे? श्रीराम पत्नी सीता की व्याकुलता देखकर बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों में, कौन? श्रीरामचंद्र जी की आंखों में से आंसू आ गए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मीनिंग एंड ऑल्सो आई टेल इन इंग्लिश ऑल्सो। When Shri Ram, Lakshman and Sitaji left for exile, Sita started his journey. Sitaji got tired as soon as she come out of the city. Sweat come on her forehead and her lips started to dry. When Lakshman goes to get water in that case, also she asked to Shri Ram. When Lakshman goes to get water in that case, also she asked to Rama, Sita asked to Rama, you to take rest under the tree. Ram gets distracted at this condition and starts to remove the thorn in Sita's feet, because Sita ji ki pairo mein khanton chubh gaya hai. और उस समय लक्ष्मण पानी लेने के लिए गया, उस समय में राम ने क्या किया, तो सीता जी की पैरों में छुपा हुआ उस कांटों को निकाल दिया।
So Ram start to remove the thorn in Sita's feet. Seeing this, when Sitaji is seeing this moment, Sita start to feel and said Rama, her husband too very love. So she expressed his love to Sri Rama. And you see the next stanza in a video, you see on the screen. You see that in a 1K मार्ग में एक पिक्चर आप स्क्रीन पर देखिए और हमारे किताब पर भी है वन कैसा हुआ बहुत द फॉरेस्ट इज वेरी डेंसिटी और इन जंगलों में बहुत वो व्हाट एनिमल्स पशु पक्षियां हैं वहाँ पानी नहीं मिलेगा सो इस समय में श्री राम लक्ष्मण और सीता सागर छोड़कर अयोध्या छोड़कर वन के मार्ग में चला गया और यू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट स्टैंडा यू सी दैट पर्णकुटी वो जंगल में एक पर्णकुटी बना गया वो तटचेड हाउस दैट मीन्स इन पत्तों से होने वाले एक कुटिया है वो पर्णकुटी कहते हैं यू सी द नेक्स्ट स्टैंडा इन सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड सेकेंड वर्स जल को गए लखनऊ दैट मीन्स लखनऊ वो नाम लक्ष्मण का नाम इस तरह यहाँ दिया गया है जल को गए लखनऊ है लरिका परिकौ पिया चाह गरीक हैं टाड़े पोंछी पसेऊ बयारी करौ अरु फाई पकारिहाउ बुबिरी डाड़े दुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी कई बैठी बिलंब लव खंडक खाड़े जानकी नाक को नेह लक्यौ पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े सो यू सी इन सो मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स इन इन अ वेरी हार्ड वर्ड्स देन हाउ टू प्रोनाउंसिएशन अगेन आई रीड द सेम वन जल को गए लखनऊ दट लक्ष्मण जल को गए लखनऊ है लरिका परिकौ पिय चाह गरीक हैं टाड़े पोंछी पसेऊ बयारी करौ अरु फाई बकारिहाउ बुबुरी डाड़े दुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी कई बैठी बिलप लव कंटक खाड़े जानकी नाक को नेग लक्यौ पुलखो तनु बारी बिलोचन बाड़े व्हाट इज इट मीनिंग लखनऊ आई आई टोल्ड लक्ष्मण परिकौ प्रतीक्षा करना और चाह का अर्थ छाया गरीक एक घड़ी है और थोड़ी देर कुछ समय है और नेक्स्ट वन वो डाड़े खड़े हुआ और अरु का अर्थ और फाई दैट मीन्स पाव लेग पैर पखारी दैट इज दोना है और बूपुरी डाड़े का अर्थ रेत बहुत गर्म है श्रम का अर्थ थकान वेरी टायर्ड और बिलम का अर्थ देर तक देर से कंड का अर्थ कांटे दैट इज थॉर्न और खाड़े निकले है वॉट इज दट मीनिंग ऑफ दिस सेकेंड पैराग्राफ सीता वन के मार्ग में चलते चलते तक जाती है अब लक्ष्मण पानी लेने के गया तो वे अपने पति श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं आप भी थोड़ी देर छाया में रुककर विश्राम कर ले और पसीना पोंछ लीजिए रेत बहुत गर्म है इसलिए अपने पांवों का धोकर थोड़ा ठंडा कर ले कौन बताया ये सीता जी ने श्री राम से इसी तरह कहा क्या कहा सीता वन के मार्ग चलते चलते थक जाती है और लक्ष्मण उस समय पानी लेने के लिए गया उस समय सीता जी ने अपने पति श्री राम से कहती है कि अब लक्ष्मण पानी लेने के लिए गया आप भी थोड़ी देर छाया पर बैठकर आराम कर ले और पसीना पोंछ लीजिए
और अब रेत बहुत गर्म है, इसलिए अपने पांवों का धोकर थोड़ा डंडा कर ले। और ये भी सीता जी कहते हैं, श्री राम मन ही मन नहीं, अब श्री राम का मन कैसा हुआ है? श्री राम मन ही मन जान गए कि सीता जी थक गई है। वे विश्राम करने बैठ गए और सीता जी के पैरों के कांटे निकालने लगे। सीता ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में आंसू आ गए। नाउ आई वॉन्ट टू टेल इन इंग्लिश मीनिंग एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द सेकेंड वर्स मीन सेकेंड वर्स आ इन द पाथ ऑफ फॉरेस्ट लक्ष्मी दैट इज सीता जी गोज टू गेट सॉरी लक्ष्मणा इज गोज टू गेट वाटर। नाउ सीता जी टेल टू श्री राम, स्वामी यू मस्ट टायर्ड सो यू टेक सम रेस्ट इन द शेड ऑफ द ट्री। सी वेन सीता जी टोल्ड लाइक दिस एट द सेम टाइम रामा सीइंग दिस डिस्ट्रैक्शन श्री राम जी रेस्ट अंडर द ट्री फॉर सम टाइम एंड देन स्टार्टेड टू रिमूव द थॉर्न फ्रॉम सीतास फीट। वेन रामा डू दिस नाउ सीइंग सीता लव ऑफ हेयर बिलोड सीता जी बिहेन्स टू फील वेरी हैप्पी। सो दिस इज नेचुरल नेचुरल एंड सीता जी इस लव अपने पति से बहुत प्यार करते थे और अपने पति के प्रति बहुत प्रेम करता है। नाउ अगेन आई वॉन्ट टू टेल द सेम मीनिंग When Lakshmana goes to get water, now Sita ji tell to Rama, Swami, you too tired, you must also very tired, so you please take rest in a shade of under the tree, seeing this distraction. Sri Ram ji rest under the tree for some time and then he start to remove the thorn off from Sita's feet. When seeing the Sita love of her has beloved, सीता जी बिहेन्स टू फील हैप्पी। सो वन के मार्ग में वो कविता का अर्थ क्या है, सीता जी लक्ष्मण और राम जी वो तीनों अयोध्या से छोड़कर वन के मार्ग में चला गया, उस समय सीता जी क्या क्या कष्ट सहित कर गए उसके बारे में तुलसीदास जी इस कविता में हमको दिया गया है। नाउ आई अंडरस्टूड दिस लेसन इज वेरी ब्यूटिफुल एंड यू ऑल अंडरस्टूड वेरी केयरफुल अंडरस्टूड दैट एंड हियर आफ्टर आई वॉन्ट टू टेल सम शब्दार्थ एंड बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर एंड लघु प्रश्न दीर्घ प्रश्न। नाउ यू सी ऑन द स्क्रीन मा आई टोल्ड नो सो मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स इज देयर here I will given in a just Hindi to Hindi meaning and also I tell in a English meaning also, so you don't worry about this. You see the first one, Purte, that means Nagar se, a city, Sagar se nikalte samay, wo Purte ka arth Nagar se. Nikasi ka arth kya hai? Nikali, that is to start, Nikasi to start. रघुबीर बधु वो कौन है, सीता, सीता जी के बारे में तुलसीदास जी इस कविता में इसी तरह कहते हैं और लिखते हैं क्या, रघुबीर बधु, रघुबीर बधु कौन है, सीता है। और धीर, धीर का बहुत हिम्मत धैर्य से वेरी करेजियस। और नेक्स्ट वन दरी, दरी का अर्थ रखना। सिक्स्थ वन मग, मग का अर्थ रास्ता, ऑन द वे the on the way. Dug, dug ka arth khadam, that completed. The next one jalki, jalki ka arth dikhai di, want to see show that everyone every scenery is shown, that is. Bal mata, unke sita ji ki mata par forehead. The tenth one kani, kani ka arth bindu hai, ek drops, drops ko bhi yahan bindu kahte hai, bindu ka arth ek bindi, तुमको अच्छी तरह मालूम है यहाँ बिंदु सीता जी की माथे पर एक पसीना दैट स्वेटिंग इज कम वन बाय वन लाइक दैट कनी। अगेन आई वांट टू टेल द सेम वन, लिसन केयरफुली। पुरते नगर से इन अ सिटी विल शहर से,
निकासी निकली टू स्टार्ट, रघुबीर बधु सीता सीता जी, धीर धैर्य हिम्मत वेरी ब्रेव, दरी रखना है, मग रास्ता ऑन द वे, डग कदम कंप्लीटेड, जल की दिखाई दी, बाल माता फोरहेड, कनी बिंदु एक ड्रॉप्स और बिंदी है ना वो, और यू सी द नेक्स्ट वन, पुट ओ होंट है लिप्स, पुट का दो अर्थ है उधर पुट द सो दैट बोथ आर सेम मीनिंग, होंट होंट का अर्थ लिप्स. नेक्स्ट वन पूजती दैट इज पूछती टू आस्क, केतिक कितना हाउ मच हाउ लॉन्ग. नेक्स्ट वन पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया दैट इज द हट मेड विथ टचर्ड देन तमिल इन अ मूंगल इन कुडिसई लाइक दैट. तीय तीय का अर्थ पत्नी है सीता जी पत्नी. लखी देखकर टू सा, दूरा बेचैनी परेशानी दैट इज इन वेरी टायर्ड वेरी सॉरोफुली लाइक दैट. प्रिय प्रियतम लवेबल पर्सन. चारु सुंदर वेरी ब्यूटीफुल. लखनु लक्ष्मण, लक्ष्मण को यहाँ लखनु कहते हैं. नाउ अगेन आई वांट टू रिकॉल दिस वन, पुट पुट का अर्थ होंट उधर का अर्थ भी होंट बोथ आर लिप्स. पूजती पूछती टू आस्क, केतिक कितना हाउ मच, पर्ण कुटी पत्तों की कुटियाँ तचड़ हट, तीय पत्नी वाइफ, लकी देखकर टू सा सी दैट, दूरा बेचैनी परेशानी, प्रिय प्रियतम टू लवेबल पर्सन, चारु सुंदर ब्यूटीफुल, लखनु लक्ष्मण. एंड नेक्स्ट वन परिकव प्रतीक्षा करना, चाह छाया शैडो, पाय पाव पैर लेग, श्रम तकान टायर्ड, काड़े निकाले टू स्टार्ट, नाह वो भी प्रियतम लवेबल, नेह का अर्थ भी प्यार टू लव, तनु शरीर, बारी जल वाटर, बिलोचन आंखे आईज, बाड़े निकले. यू सी निकले का कितने अर्थ है इस कविता में, काड़े बाड़े और उसके पकड़े हम एक शब्द देखिए वो भी निकलते. सो बहुत शब्द है हिंदी में निकले का हिंदी समान अर्थ. अगेन आई रिकॉल द सेम वन, परिकव प्रतीक्षा करना, चाह छाया शैडो, पाय पाव पैर लेग, श्रम तकान टायर्ड, काड़े निकाले टू स्टार्ट, नाक प्रियतम लवेबल पर्सन, नेक स्नेह भी प्यार है, नेक भी यहाँ प्यार लव, तनु शरीर बॉडी, बारी जल वाटर, बिलोचन आंखे आईज, बाड़े निकले टू स्टार्ट. एंड यू सी द नेक्स्ट रोमन बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर. फर्स्ट वन यह प्रसंग किस समय का है, दिस पोयम दिस प्रसंग. ओ वन के मार्ग के कविता में वो तीनों वन के मार्ग से रवाना हुई ना, उस समय उस प्रसंग किसका समय का है, वहाँ फोर आंसर है. जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, श्री राम चंद्र को वनवास मिलने पर सीता और लक्ष्मण के साथ जब वे वनों की ओर पढ़ रहे थे, जब दशरथ श्री राम को वन भेज रहे थे, जब सीता ने वनों के मार्ग पर बढ़ने से इनकार कर दिया, विच वन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर. यह प्रसंग किस समय का है, व्हाट स्टेज इन हिज दिस पोयम. श्री राम चंद्र को वनवास मिलने पर सीता और लक्ष्मण के साथ जब वे वनों की ओर बढ़ रहे थे, व्हेन दे स्टार्टेड द जर्नी इन जंगल दैट थ्री पर्सन लक्ष्मण एंड सीता, उस समय का है इस प्रसंग. और यू सी द सेकेंड वन,
पुर से नगर से, ऑलरेडी आई वी सॉ नो इन पुर से का अर्थ नगर से, नगर से निकलते ही सीता की क्या दशा हो गई, वॉट इज द स्टेज ऑफ, वॉट इज द पोजिशन ऑफ सीता जी वेन ही स्टार्टेड टू फ्रॉम हिज सिटी, वॉट इज द पोजिशन, उनकी दशा कैसी है, सीता जी का दशा कैसे हो गई है। थ्री आंसर है, यू सी सीताराम के साथ जाने से कुश्ती। सेकेंड वन बी, यू सी दैट उसे घर परिवार की याद आने लगी, शी रिमेंबर दैट हिज फैमिली। एंड द थर्ड वन, वक्त तक कई उसके माथे पर पसीने की बूंदे चलने लगी, सी हैज वेरी टायर्ड एंड स्वेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम हर फोरहेड। द फोर्थ वन इज वह राम को वापस जाने का आग्रह करने लगे, सो विच इज़ द करेक्ट आंसर, पुर से निकलते ही सीता की क्या दशा हो गई, वॉट इज द पोजिशन ऑफ दैट सीता वेन शी स्टार्टेड फ्रॉम नगर से, दैट इज इन द सिटी से, वॉट इज द पोजिशन, उनके सीता जी बहुत थक गई और उसके माथे पर पसीने की बूंदे चलने लगी, सो शी वॉज वेरी टायर्ड एंड स्वेटिंग वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हर forehead. Again, I tell the read the question and answer alone. First one, यह प्रसंग किस समय का है? किस समय का है? The correct answer is श्री रामचंद्र को वनवास मिलने पर सीता और लक्ष्मण के साथ जब वे वनों की ओर बढ़ रहे थे. The second one is पुर से निकलते ही, that is in नगर से निकलते ही सीता की क्या दशा हो गई? वह तक गई उसके माथे पर पसीने की बूंदे चलने लगी। एंड थर्ड वन यू सी, सीता ने राम से क्या पूछा, व्हाट डिड सीता से टू राम, हम घर कब जाएंगे, व्हेन ही रिटर्न बैक टू होम, मेरा माता पिता के घर चलने में आपको आपत्ति क्यों है, व्हाई यू आर डिलेइंग रिटर्न बैक टू फॉर माई फादर एंड मदर्स हाउस। एंड द थर्ड वन, कितना और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, हाउ लॉन्ग फॉर वी हैव टू गो एंड वेयर डिड वी मेक अ पर्णकुटी। द फोर्थ आंसर, क्या 14 वर्ष का वनवास सह लोगे। नाउ द करेक्ट आंसर इज कितना और चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएगा। द क्वेश्चन इज सीता ने राम से क्या पूछा उस रास्ते में, वन के मार्ग में चलने समय सीता ने राम से क्या पूछा, कितना दूर चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएगा। एंड द फोर्थ वन इज यह पद्यांश, यह कविता किस भाषा में लिखा गया है, विच लैंग्वेजेस, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, द लैंग्वेज इज वॉट, अवधी भाषा। द फिफ्थ वन, प्रियतम की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे, हियर प्रियतम हु इंस्टेड दैट राम, व्हाई ही स्पिट ड्रॉप्स फ्रॉम हिज आईज। द फोर आंसर इज दैट क्योंकि वे चल चल कर थक चुके थे, क्योंकि पत्नी की दुर्दशा सहन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की याद आ गई, क्योंकि लक्ष्मण ने वापस जाने का निर्णय ले लिया। द करेक्ट आंसर द फर्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ शी वॉज वेरी टायर्ड। द सेकेंड वन शी ही राम शाह सा दैट हिज वाइफ कंडीशन she was very he she is not accept this position. And the next one he remembered his father's and mother's memories. And the fourth one Lakshman is returned back to Ayodhya, this decision. The correct answer is kyunki ve chal chal kar thak chuke the, kaun hai Sita ji, प्रियतम की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे, वाई ही स्पिट ड्रॉप्स फ्रॉम हिज आईज राम, बिकॉज
सीता वॉज वेरी टायर्ड, सो इन दिस रीजन उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. एंड यू सी द नेक्स्ट रोमन, लघु प्रश्न, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर. लक्ष्मण कहाँ गया था? उस वन के मार्ग में चलते समय लक्ष्मण कहाँ गया था? लक्ष्मण पानी लेने के लिए गया था, क्योंकि सीता जी बहुत थक गया और उन पीने के लिए पानी लेने के लिए लक्ष्मण गया था. द सेकेंड वन, श्री राम ने क्या किया? वॉट ही डू? श्री राम ने पत्नी के दुख को समझकर कुछ देर के लिए बैठकर उनके पैरों में छुपे कांटे निकालने लगे. श्री राम नो दैट हिज वाइफ सारोनेस एंड ही टोल्ड टू सीता टेक सम रेस्ट एंड ऑल्सो ही डू श्री राम डू सीताज फीट होने वाले उस पैरों में होने वाले कांटों थॉर्न रिमूव दैट हर फीट दैट थॉर्न. अगेन आई रीड द क्वेश्चन एंड आंसर. लक्ष्मण कहाँ गया था? वेयर वॉज लक्ष्मण वेंट. लक्ष्मण पानी लेने के लिए गया था. लक्ष्मण वेंट टू फॉर ब्रिंगिंग वाटर. श्री राम ने क्या किया? वॉट ही डू श्री राम? श्री राम ने पत्नी के दुख को समझकर ही अंडरस्टूड हिज वाइफ सारोनेस एंड कुछ देर के लिए बैठकर उनके पैरों में छुपे कांटे निकालते हैं. एंड ऑल्सो ही डू दैट ही रिमूव देन ही स्टार्टेड टू रिमूव थॉर्न फ्रॉम सीताज फीट. एंड यू सी द थर्ड क्वेश्चन. नहर से बाहर निकलकर दो पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? वॉट इज द पोजिशन ऑफ सीता जी वेन ही स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम नगर से, दैट इज इन अयोध्या से. वॉट इज द पोजिशन? मार्ग में दो कदम चलते ही सीता के माथे पर पसीने की बूंदे जगने लगी. उनके होंठ में सूख गए और वे शीघ्र ही थक गए. मार्ग में दो कदम चलते ही जस्ट ही गो टू वाटर इन अ टायर्ड एज सून एज लेफ्ट फॉर एक्साइल एंड ही शी ऑल्सो वेरी टायर्ड एंड स्वेट कम फ्रॉम ऑन हेयर फोरहेड एंड हेयर लिप्स ऑल्सो स्टार्टेड टू ड्राई. बहुत जल्दी से सीता जी थक गई. शी वॉज वेरी टायर्ड क्विकली. सो इन दिस रीजन वॉट हैपेंड दैट सीताज पोजिशन वेन सी स्टार्ट दे स्टार्टेड हिज स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम हिज अयोध्या. सीता पोजिशन लाइक दिस. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? नाउ यू टेल वेरी ईजीली. हाउ लॉन्ग वी वॉन्ट टू गो एंड वेयर डिड ही वी बिल्ट वी विल मेक अ पर्णकुटी. हू सेड सीता टू राम? अब और कितनी दूर चलता है? पर्णकुटी कहाँ बनाएगा? एक शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वह बहुत थक गई थे. This line said to who to whom, whose to whom? Sita ji ne Sri Ram se pucha. Or because what is the reason? Because she was very tired quickly. Again I recall the two question and answer. C. Nagar se bahar nikal kar do pag chalne ke baad Sita ki kya dasha hui? Marg mein on the way do kadam chalte hi सीता के माथे पर पसीने की बूंदे जगने लगी. उनके होंठ सूख गए और वे शीघ्र ही थक गई. सीता जी लेफ्ट फॉर एक्साइल. सीता जी इज गॉट टायर्ड एज सून एज एंड शी कम आउट ऑफ द सिटी. स्वेट कम ऑन हेयर फोरहेड एंड हेयर लिप्स स्टार्टेड टू ड्राई एंड शी ऑल्सो
टायर्ड वेरी क्विकली। एंड फोर्थ वन, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएगा, ये वाक्य किसने किससे पूछा और क्यों। क्यों सीता जी ने श्री राम से इस वाक्य इसी तरह कहा पूछा, क्योंकि वह बहुत थक गई है, गई थी, बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड एज सुन एज वेरी क्विकली। एंड यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की, वॉट इज राम डू, वॉट डू फॉर सीता। राम थकी हुई सीता के पास थोड़ी देर के लिए बैठे और उनके पांवों से कांटे निकाले ताकि उन्हें थोड़ी राहत महसूस हो। दैट मीन्स राम टेल टू सीता, यू टेक सम रेस्ट एंड सिट, देन राम डू दैट, ही स्टार्ट्स टू रिमूव थॉर्न फ्रॉम सीता'स फीट। When seeing this love of her beloved, Sita ji begins to feel happy. Again, I read the same question answers. Ram ne taki hui Sita ki kya sahayata ki? Ram taki hui Sita ke paas thodi der ke liye baithe aur unke paavon se kaante nikale taki unhe thodi rahat mahasoos ho. Now you see the next to Roman Dirgha Prashan, that is answer in briefly. Only one question is here. You see Dono Savayon, that is in a two stanza. Prasango me andar spasht karo. Dono Savayon ke prasango me andar spasht karo. What is that in a two stanza? Brief in a lines. पहले प्रसंग में, इन अ फर्स्ट स्टैंडा फर्स्ट वर्जन, यह दर्शाया गया है कि महलों में रहने वाली सीता थोड़े से श्रम से, श्रम का अर्थ थक गया, दैट इज टायर्ड, श्रम से ही थक जाती है क्योंकि उन्हें कठिन जीवन जीने की आदत नहीं है। शी डज नॉट नो इन अ डिफिकल्ट लाइफ, शी शुड नॉट फेस द difficult life, this is the first time in her life. So in a first stanza yah darshaya gaya hai ki mahalon mein rakhne wali sita thode se shram se thak jati hai. When she started from Shagar in a city, she was very tired in very quickly because unhe katin jeevan jeene ki aadat nahi hai. She don't know the habit of in a difficult life. She does not face the difficult life. So in this reason, and the second stanza, दूसरे प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाया गया है. In a second stanza, second verse is describe the love of between श्री राम and सीता जी. कैसे श्रीराम सीता के तक जाने पर उनके पैरों की कांटे निकालते हैं और सीता जी श्रीराम का अपने प्रति प्रेम देकर पुलकित हो जाती है. दैट मीन्स व्हेन श्रीराम स्टार्ट टू रिमूव द थॉर्न फ्रॉम सीतास फीट, सीइंग दिस लव ऑफ हर बिलव्ड एंड श्री राम टोल्ड यू टेक रेस्ट सम टाइम एंड दैट टाइम सीता जी बिगेन्स टू फील वेरी हैप्पी एंड सी एक्सप्रेस हिज लव टू श्री राम. अगेन आई वॉन्ट टू रीड द सेम क्वेश्चन आंसर, दीर्घ प्रश्न आंसर इन ब्रीफ. दोनों सवयों, दैट इज इन अ टू स्टैंडा के प्रसंगों में अंतर क्या, स्पष्ट करो. वॉट इज इन दिस स्टैंडा, वॉट इज द मैटर इन दिस टू स्टैंडा. पहले प्रसंग में, इन अ फर्स्ट स्टैंडा यह दर्शाया गया है कि महलों में रखने वाली सीता थोड़ी से श्रम से ही थक जाती है क्योंकि उन्हें कठिन जीवन जीने की आदत नहीं है. दूसरे प्रसंग में श्री राम व सीता, इन अ सेकेंड स्टैंडा डिस्क्राइब द लव ऑफ बिटवीन श्री राम एंड सीता जी. श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाया गया है कि कैसे श्री राम सीता के तक जाने पर उनके पैरों के कांटे निकालते हैं
और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देकर पुलकित हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोयम इज वेरी ब्यूटिफुल एंड डिस्क्राइब अबाउट द रामचरित्र मानस। यू हैव एनी डाउट यू प्लीज आस्क मी। धन्यवाद। थैंक यू।